भाई इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज की पांच खबर आपको दिखाते हैं। मुंब्रा तलाठी ऑफिस में चोरी की घटना सामने आई है। मेन गेट का ताला तोड़कर चोर ऑफिस में घुस गया। ऑफिस में रखे कबाड़ भी खोले मगर सिर्फ पानी की पाइप की चोरी की बात सामने आ रही है। रमज़ान का महीना चल रहा है, ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ठाणे पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर ने मुंब्रा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। एक तो रमज़ान की बधाइयाँ देना चाहता हूँ। रमज़ान का महीना चालू है और हमारा विभाग और हमारे लोग पूरी तरह से जुटे हुए हैं कि शांति और आनंदमय वातावरण में ये त्यौहार उनका रमज़ान और ईद सब हो। भाई पुलिस तो हमेशा प्रयास करती है कि काम अच्छा हो और लोग खुश रहें, और लोगों का भी हमें सहकार्य मिल रहा है। हमारे ट्रैफिक के ऑफिसर हैं, इंस्पेक्टर लंबाते, हमारे सीनियर पीआई कड़ हैं, एसीपी और डीसीपी, सभी लोगों ने अच्छा काम। कानून और व्यवस्था बनी रहेगी, कानून के तहत, कानून के अंदर जो संभव है वो होगा और कानून के तहत जो संभव नहीं है वो नहीं होगा। मुंब्रा में एक तरफ पानी की किल्लत जहां है, वहीं दूसरी तरफ हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। दोस्ती बिल्डिंग के सामने सिबली नगर के पास नाले में हजारों लीटर पानी बह रहा है। ना ही यहां पर कोई टीएमसी की नज़र पड़ रही है और ना ही पानी के लिए लड़ने वाला कोई नेता यहां नज़र आ रहा है। खबर श्रावस्ती से है, जहाँ मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। कौना गाँव में नवजात बच्चे का शव एक आवारा कुत्ता लेकर घूमता रहा। बच्चा 1 से 2 दिन का था। जैसे ही स्थानीय लोगों की इस आवारा कुत्ते पर नजर पड़ी, कुत्ते को दौड़ाया और नवजात का शव कुत्ता सड़क किनारे छोड़कर भाग गया। उत्तर प्रदेश के अमेठी ने रफ्तार ने फिर एक बार कहर बरपाया है। ट्रक ने मैजिक को टक्कर मार दी है। 11 लोग घायल हैं जबकि 5 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।